गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आपके बीच आत्मविश्वास के और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आप लोगों को लेकर आया हूं, जो हर लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, उसके बारे में आप लोगों के बीच में लाया हूं। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक बता कहने जा रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं आत्मविश्वास के बारे में वो 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो आज की डेट में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस के कारण जो है सो कि कोई भी व्यक्ति जो है सो कि या तो आगे बढ़ा है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, या फिर जो है सो कि किसी के अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं रह पाने के कारण जो है सो कि कुछ नहीं कर पाता है। तो आज मैं उससे रिलेटेड 5 जो है सो कि आपको टिप्स दे रहा हूँ, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लें कि अपनी तुलना दूसरों से ना करें। सबसे पहले ध्यान देना है कि अपनी तुलना दूसरों से ना करें। हमें यह समझने की जरूरत नहीं है, हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ जरूर होता है जो हमें दूसरों से अलग रखता है। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग होता है जो हमें एक दूसरे से अलग रखता है, लेकिन ये नहीं कि हमारे अंदर जो चीज है वही चीज उसी के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर जो भी चीज है वो मेरे ही अंदर होना ही चाहिए, ये कोई जरूरत जरूरी नहीं है। मान के चला जाए कि वो लड़का पढ़ने में तेज है, उसके अंदर वो गुण मौजूद है और उसके देखा देखी उसका तुलना मैं अपने आप से करूं कि वो तेज है, मैं क्यों नहीं, मैं कैसे परीक्षा में फेल कर जा रहा हूं। तो ये नहीं देखना है कि उसके अंदर जो है उसका तुलना अपने आप से नहीं कर पा। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है। हो सकता है उसके में जो हो वो हमारे में नहीं हो, लेकिन उसके बजाय कुछ और हो हमारे अंदर। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि दूसरों से अपनी तुलना ना करें। दूसरा, खुद पर भरोसा रखें। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि खुद पर भरोसा रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भरोसा रखने से हमारे अंदर जो है सो कि नकारात्मक जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती है। जैसे मान के चला जाए कि सबसे पहले ये देखा जाए कि हमारे अंदर कौन कौन सी जो है सो कि कमियां हैं उसको निकाल फेंके, जो भी कमियां हैं नकारात्मक चीजें हैं उसे निकाल फेंके और भरोसा रखिए कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे और करके दिखाएंगे वो, जो कि आगे चलकर हम वो काम कर देते हैं। जैसे मान के चला कि कोई व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें सबसे पहले हमें क्या होता है, शुरुआती दौर में हमें सफलता नहीं मिलती है, तो रुकना नहीं है, भरोसा रखना है कि नहीं कर रहे हैं तो कल के डेट में, या कर रहे हैं तो करते रहेंगे जिससे कि हमें सफलता मिलेगी। जो व्यापार शुरू किए हैं वो हमें सफलता मिले, वो आगे चल के बढ़ेगा, वो करते रहना है, रुकना नहीं है उस चीज पर। अब आता है तीसरा बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान। सबसे पहले कि अपनी कमियों पर काम करें। सबसे पहले ये देखना कि हमारे अंदर कौन सी कमी है जो हमें एक काम करने से रोक रहा है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है जो हमें एक काम करने से रोक रहा है,
तो वो कमी से हमें बचना है, समझे? कहने का मतलब है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है और वो कमी को हटाकर उससे सबसे पहले बचना है, उस कमी को निकालना है और उस कमी को निकाल कर आगे बढ़ना है। जैसे ही हम अपने अंदर की कमियां भी निकाल देंगे, हम अपनी सफलता खुद ब खुद पा लेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस कमी को निकाल देंगे तो। चौथा है कि सकारात्मक लोगों के बीच समय बिताएं। हम जो भी समय अपना दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं जिससे के कारण हमारे अंदर जो है सो की नकारात्मक ही ऊर्जा आ रही है, नकारात्मक चीज आ रही है। नहीं, ऐसा काम कभी नहीं करना है। हम ऐसे लोगों के बीच बैठे उठे जो अपने जीवन में सफलता पाए हैं, उनके बीच बैठे जिससे कि हमारे अंदर जो है सो की सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे हमें कुछ भी काम करने से प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने कैसे सफलता पाई अपने जीवन में। वही इसी के कारण क्या होगा कि सीख हमें मिलेगी, उसी से हमें सीख मिलेगा। इसलिए सकारात्मक लोगों के बीच में बैठना बहुत जरूरी है। कभी भूल के भी ऐसे लोगों के बीच में ना बैठें जो कि उनको सफलता नहीं मिला है, नकारात्मक लोग। हमें हमेशा वैसे लोगों के बीच में बैठना है जो अपने कोई भी काम में सफलता पाए हों, जिससे कि हमें सीख मिले, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर मिले। पांचवा आता है अपने डर का सामना करें। अपने डर का सामना करें। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे, सबसे पहले देखें, जब तक हम जो है सो कि डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए अपने डर का सामना जरूरी है करना। जैसे कोई भी चीज हमें किसी भी काम करने से रोक रहा हो, डर बन जा रहा हो मन में कि कहीं हम ये काम करेंगे तो कहीं हम फेल न कर जाएं, या मान लिया कि कोई भी काम जैसे कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मन में बैठा हुआ डर है कि कहीं हम ये काम किए कहीं फेल न कर जाएं। पहले ही मेरे मन में डर बना हुआ है कि कहीं हम एक काम करने जाएं या कोई भी परीक्षा तैयारी करें या कोई भी व्यापार करें या कुछ भी काम करें, और उससे करने से पहले ही मेरे मन में डर की भावना बैठ जाए कि कहीं ये काम करने से हमें सफलता नहीं मिली तो इस चीज को मन से निकाल फेंकना है। ये नहीं है, मन में जो डर बैठा हुआ है कि एक काम करने से हमें सफलता नहीं मिलेगी तो की जो भावना है, इस तो की भावना को निकाल फेंकना है, मन से डर निकाल फेंकना है और वो काम को करना है जिससे कि हमें जैसे कि सफलता मिले। यानी कहने का मतलब है हर इंसान जो चाहता हो कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, हर व्यक्ति चाहता हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, ये पांच चीज को अपने जीवन में उतार लेना है खुल के। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, सबसे पहले ये उतारना जरूरी है कि हमारे अंदर जो भी है उसके अंदर क्यों नहीं है, उसके अंदर जो है मेरे अंदर क्यों नहीं, और कोई चीज में सफलता पा रहा मैं क्यों नहीं पा रहा हूं, ये सबसे पहले निकाल फेंकना है। दूसरा है खुद पर भरोसा रखें। खुद पर दूसरा कहने का मतलब कि अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि हाँ हम ये काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चार बार, लेकिन मुझे सफलता मिलेगी। एक कहावत सुने होंगे, या मैंने सर पहले हम लोग 2 क्लास में पढ़ते थे कि जब बुद्ध भगवान जब जा रहे थे, घर से निकले थे, तो एक जगह गए थे कुआं पर पानी पीने के लिए, तो वहां देखे थे कि बाल्टी रखने के कारण क्या था कि जिस जगह बाल्टी रखा हुआ था, तो बाल्टी रखने के कारण क्या हुआ था कि वहां पे गड्ढा बन गया था, तो उसी से उनको सबसे पहले ये प्रेरणा मिला कि
कि करत करत अभ्यास ते जड़पति होत सुजान और रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक मन रस्सी के खिंचाव के कारण जब पत्थर पर चिन्ह बन सकता है, पत्थर को गड्ढा कर सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, अपनी कमी पर काम करें, जो भी हमारे अंदर कमियां सब हैं सबसे पहले उसे निकाल फेंकना है कि हाँ हमसे ना हुआ इसको सबसे पहले निकाल, जो हमारे अंदर कमी है, जो जो जिसे माने कोई काम की है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी कमी जो है जो कि हमें रुकावट बन रहा है, वो कमी को अलग कर देना है। और जैसे ही हम वो कमी को अलग कर देंगे हमें सफलता मिल जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे सकारात्मक लोगों के बीच समय बिताएं, कभी भी भूल कर ऐसे लोगों के बीच में ना बैठे जिससे कि हमें सफलता नहीं मिले। नकारात्मक लोगों के बीच में नहीं, जो आज तक कुछ किए ही नहीं अपने जीवन में, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना है। ऐसे लोगों के बीच में बैठें जो जैसा कि कुछ अपने सफलता अपने जीवन में पाए हो, उनके बीच बैठें जिससे कि हमारे अंदर ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि उनसे सीख हमको मिलेगा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई। पांचवा, अपने डर का सामना करें। जो भी हमारे मन में डर बैठा हुआ है कि हाँ हम एक काम करेंगे तो सफलता हमें नहीं मिली, कहीं हम फेल ना कर जाए, कहीं हम ये काम करेंगे तो हमारा जो है सब कि नुकसान ना हो जाए, तो सबसे पहले उस कमी को उस निकाल फेंकना है और उस जो डर मन में बैठा हुआ है उस डर को सबसे पहले हटाना है। जैसे ही उस डर को हटाएंगे, उस डर हटते ही हम जो है सब कि अपने जीवन में सफलता पा लेंगे। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, आत्मविश्वास बनाना बहुत जरूरी है हर इंसान को अपने जीवन में। जब कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास बना लिया कि हम एक काम करेंगे तो कर लेगा और करके दिखा सकता है, बस एक पांच चीज पर ध्यान दे दे, तो अपना हर व्यक्ति अपना हर काम जैसा कि खुद से आत्मविश्वास बढ़ाकर काम कर सकता है अपने जीवन में और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है।